तो हमने लास्ट लिखा था बेटा वो वेक्टर एडिशन था, ठीक है। और उस वेक्टर एडिशन में आप लोगों ने रिजल्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला था वो था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आप लोगों ने निकाला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अन्य आपके कितने, 157, ठीक है। चलिए और भी कई बच्चों ने हैं तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था, सभी को ध्यान है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब हम इसी में कुछ और भी रूल लिख सकते हैं, तो वेक्टर एडिशन के सम अदर ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल रूल, कुछ दूसरे ट्राइंगल रूल्स भी हम इसमें देख रहे हैं। सम अदर ट्राइंगल रूल्स कैसे हैं, वो सम अदर ट्राइंगल रूल्स वो देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर दिए हो और उन वेक्टर्स का हमें एडिशन करना हो, ठीक है ना, तो हम इसमें सबसे पहला एक रूल लिखते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं साइन रूल, ठीक है। ट्राइंगल ही है, साइन रूल है, लेकिन क्या है साइन रूल, ये इस तरह का कोई एक ट्राइंगल फॉर्म बनता हो, मान लो ठीक है, जिसका एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, ठीक है ना। और सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस इज गामा, ठीक है। ये इस तरह के हमें कुछ वेक्टर साइड्स दी होंगी, जिसको हम अगर ए बी सी से डिनोट अगर हम कर दें, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई एक साइन रूल है, तो साइन रूल कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल द वेक्टर, द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग साइन एंड एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग और एंगल ऑफ अपोजिट साइड, एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रिमेन्स कॉन्स्टेंट कैसा रहेगा, इसमें कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब अगर हमने लिखा वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा, वेक्टर बी अपॉन साइन बीटा एंड द एंगल रेशियो ऑफ वेक्टर एंड द एंगल एंड साइन एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गामा फॉर अ क्लोज ट्राइंगल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लामीज थ्योरम, इसको हम लामीज थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, हम लामीज थ्योरम भी बोल सकते हैं। कोसाइन रूल, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या है, कोई भी हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, क्योंकि ये एंगल किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर से अंदर की तरफ दिए गए हैं, ये जो एंगल है किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर से अंदर की तरफ दिए गए हैं, तो अगर हम सपोज रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना, हम अगर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं और रिजल्टेंट निकाला जा रहा है बेटा किसी दो वेक्टर के लिए, समझिएगा, अगर हमने रिजल्टेंट निकाला है और वो किसी किन्हीं दो वेक्टरों के लिए रिजल्टेंट निकाला है, तो
तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मान लो हमारे पास वेक्टर बी और सी दिया है, कितना दिया है वेक्टर बी और सी दिया है, और बी और सी वेक्टर अगर हमें दिया है तो बी और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, अल्फा है। बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो अगर बी और सी वेक्टर अगर एंगल अल्फा है तो हमें अगर रिजल्टेंट बोले तो रिजल्टेंट वेक्टर ए है। तो जो ए स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग ए, तो ए स्क्वायर जो निकलेगा वो बी और सी के रिजल्टेंट से निकलेगा। अगर अपन ने ट्राइंगल रूल मान लिया, ट्राइंगल रूल क्या होता था कि अगर अपन को कोई दो वेक्टर दिए हैं तो वो उसका थर्ड साइड से बताया जाएगा। तो जैसे मान लो अगर अपन ने ये लिखा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब उस कंडीशन में ये वाला एंगल होता था उनके बीच का थीटा, तो जिससे वो क्या आता था, रिजल्टेंट साइड आती थी। बात समझ में आ गई ना, जिसके अपोजिट ऑर्डर में वो क्या आ गए, रिजल्टेंट साइड आ गए। तो अगर हमने बोल दिया ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, लेकिन उनने बोला है कि ये वाला एंगल जो है वो क्या है, अल्फा है। अब आप अच्छे से समझ लो कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जो अल्फा होगा वो होगा 180 माइनस थीटा, यही होगा। अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि बी और सी निकलने से बी और सी का रिजल्टेंट क्या है, ए है, जैसे कुछ है ना, बी और सी का रिजल्टेंट क्या है, ए है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस थीटा। अब माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन आप लोग समझ पा रहे हो कि माइनस साइन क्यों आया, माइनस टू बी सी कॉस थीटा लिख रहे हैं तो टू बी सी कॉस थीटा क्यों लिख रहे हैं, माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं। एडिशन रूल में तो यहां पर प्लस होता था, लेकिन क्या है वो तब होता था जब ए और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला देते और वो थीटा होता, और थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर कितनी है, 180 माइनस थीटा है। तो 180 माइनस थीटा मतलब cos 180 माइनस थीटा लिखोगे तो वो माइनस cos थीटा हो जाएगा, और माइनस cos थीटा की वैल्यू आप लिखोगे तो वो माइनस 2bc हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लो बेटा आपने कोई दूसरा वेक्टर निकाला होगा, ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर निकाला होगा, दूसरा वेक्टर निकालने से मतलब क्या हो गया, हमने निकाला होता ए सी और बी के बीच का, तो बी निकाला होता तो अपन ने क्या लिखते हैं यहां पर, बी स्क्वायर is equal to a square plus c square minus 2ac cos theta, theta क्या आता है यहाँ पर ab का वाला theta कितना था, अल्फा था, यहाँ पर कितना लिखते हैं a square plus c square minus 2ac cos beta, और अगर c square निकाल रहे होते तो c square कैसे निकालते हैं आप, ये वाला c square, तो c square अगर आप निकाल रहे होते तो क्या लिखते हैं, a square plus b square minus 2ab कॉस गामा, ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाते हैं। फिर से देख लो एक बार और समझ लो, कोसाइन रूल ना, मान लो हमें बेटा हमें दिया होता वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया होता, तो हम ट्राइंगल रूल लगाते तो कैसे निकालते है? हम लिखते वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर होता वेक्टर बी, एक वेक्टर ए होता और एक वेक्टर क्या होता बी, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो सपोज ये वाला इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट एंगल निकालेंगे वो यहां कहीं निकलेगा ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये अगर इनके बीच का एंगल थीटा बना रहा है तो हम आपसे पूछेंगे कि ये वाला एंगल कितना है, तो आप बोलोगे इट इज 180 माइनस थीटा। ठीक, तो अगर हम ये पहले वाले केस में लिखे कि बी और सी वेक्टर है, तो बी और सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर है बी
ये वाला वेक्टर है सी, तो इनके बीच का जो एंगल है वो यहां से लिया जाता था, इस डायरेक्शन से लेते थे ना एंगल, वो सपोज थीटा है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो 180 माइनस थीटा होगा ना, वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, और अगर 180 माइनस थीटा अगर ये वैल्यू बन रही है तो सीधी सी बात है बेटा कि जब आपसे हम बोले कि ए अगर यहां पर एक वेक्टर ये वाला बी है और ये वाला वेक्टर अगर सी है, और अगर आपने बोल दिया कि ये इसके लिए आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो रिजल्टेंट अगर ए आ रहा है तो आप ए क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, टू बी सी। लेकिन इस कंडीशन में अगर उसने ये वाला एंगल अल्फा बोला है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस अल्फा होना चाहिए ना, अगर ये वाला एंगल अल्फा बोला है तो ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, और 180 माइनस अल्फा की वैल्यू अगर आप रखोगे तो इट इज माइनस अल्फा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी आ जाएगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा बोलिए जरा। अगर इसी तरह से आप सी और बी के बीच का निकाल रहे हो, तो अगर हमने ये ट्राइंगल लॉ बनाया है तो ट्राइंगल लॉ में तो बेटा हेड टेल पोर्शन जोड़ा जाता है, लेकिन एक जो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो रिवर्स ऑर्डर में निकाला जाता है, लेकिन यहां पर जितने भी हमने एंगल बोले हैं ना वो सभी का हेड टेल पोर्शन जोड़ा है, किस तरह से जोड़ा है उनको, हेड टेल पोर्शन में जोड़ा है, कोई भी रिवर्स नहीं है, तो रिवर्स अगर करोगे तो वाला एंगल कैसा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, लिख लीजिए आप इसको, बताइए और अभी भी समझ में आया कि नहीं आया। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या है भैया, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हाँ, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में बेटा हमें यहां पर अगर कोई दो वेक्टर दिए हैं और इस बार हमें दो वेक्टरों को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इफ वी सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स अगर हम दो वेक्टरों को सब्सट्रैक्ट करें, इफ वी सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर देन नेगेटिव वेक्टर will be in opposite direction, मतलब भी negative vector हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, negative vector क्या होता था, एक vector अगर इस तरफ है तो दूसरा vector उसके just opposite है, तो उस vector को हम क्या बोलते हैं, negative vector बोलते हैं। अब vector A है और साथ में हमने addition किया है vector B का, और वेक्टर ए का एडिशन अगर हम वेक्टर बी के साथ करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं दैट मींस वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग माइनस ऑफ बी, वेक्टर सब्सट्रैक्शन मींस ए माइनस बी है, तो माइनस बी का मतलब क्या है, बी मतलब माइनस में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, यही हुआ ना, बी अपोजिट डायरेक्शन का हो गया, जैसे अगर हमने लिखा होता सपोज बेटा हमारे पास होता एक वेक्टर होता और वो वेक्टर था वेक्टर ए, ठीक है ये वेक्टर ए है और दूसरा जो वेक्टर है वो वेक्टर बी है, ठीक। अब अगर ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, लेकिन अब अगर आप इसको ऐसा लिखते हो दैट मींस दिस इज द नेगेटिव वेक्टर, तो जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है अब उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो पलट जाएगी, ठीक है, और वो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो पलट के क्या बना लेगी, ये माइनस बी बना लेगी, मतलब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है अपोजिट, माइनस बी का मतलब है क्या, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अब ये जो एंगल हो गया ये एंगल हो जाएगा कितना, ये एंगल हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा कितना 180 माइनस थीटा, तो अगर हम लिखेंगे therefore मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा बेटा इस बार 180 माइनस थीटा, ये लिखोगे ना, कॉस थीटा की जगह कितना लिखोगे कॉस 180 माइनस थीटा। और आप लोग अच्छे से समझ लो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट वेक्टर इन वेक्टरों के बीच में कहीं होगा, दैट मींस ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो यहां कहीं पर आएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो इनके बीच में आया, ये वाला वेक्टर हो गया वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू जो निकल रही है वो रिजल्टेंट वेक्टर है कितना, वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा, यही हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा हो गया। और जो रिजल्टेंट वेक्टर का टर्म बन रहा है ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच का आ रहा होगा ठीक है। सिमिलरली वी कैन यूज ट्राइंगल लॉ ऑल्सो, सो ट्राइंगल लॉ, फॉर ट्राइंगल लॉ इफ वी यूज यहां बना देते हैं, ये वेक्टर ए था बेटा, ये वेक्टर बी था, एंड वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बी, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ये होगी डायरेक्शन इसकी है ना। तो ये वेक्टर बी था, नाउ इट इज माइनस बी, और अगर आप इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे देन इट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर ठीक है, ये कंडीशन इसकी बन जाएगी ठीक है। और ये जो एंगल हो जाएगा इस बार एक बार और देख लीजिए, देखो कभी भी अगर अपन को कोई वेक्टर दिया है ना बेटा, वेक्टर ए और बी वेक्टर दिया है, हमारे पास दो नियम होते हैं जोड़ने के, या तो हम ट्राइंगल लॉ से जोड़े तो ट्राइंगल लॉ क्या बताता था कि हेड टेल पोर्शन साथ जोड़ते हैं, और पैरेललोग्राम क्या लगाता था कि टेल टेल पोर्शन साथ जोड़ते हैं। तो अगर आप इसको भूल जाओ या इतना इसको भूल जाओ तो आप देखोगे कि ये ट्राइंगल लॉ का एडिशन है, लेकिन इस बार अपन वेक्टर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन का मतलब यह है कि हम ए को बी से माइनस करोगे या बी को ए से माइनस करोगे, लेकिन जो भी माइनस होगा उसकी डायरेक्शन को हमें पलटना होगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है वेक्टर में अपोजिट, समझ आ रहा ना, कहीं पर भी वेक्टर में अगर माइनस साइन का आप यूज कर रहे हो दैट मींस आप अपोजिट डायरेक्शन के बारे में यहां पर लिख रहे हो। तो अपोजिट डायरेक्शन अगर हमने यहां पर लिखा तो बी की डायरेक्शन अगर ये है तो बी की डायरेक्शन अब आपको पलटनी पड़ेगी, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन ये थी तो आप उसने उसकी बिल्कुल 180 डिग्री कर दी। अब लोगों ने पढ़ा था ना नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, तो एक वेक्टर ऐसा था तो दूसरा वेक्टर ये था, अगर ये वेक्टर ए था तो ये वाला वेक्टर माइनस ए था ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हमने वेक्टर बी लिखा है तो ये वेक्टर अब माइनस बी होगा सेम मैग्नीट्यूड का ठीक। अब इसको अगर हमने लिखा तो पहले दो दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल जो था वो थीटा था, लेकिन जब अपन ने पलट दिया तो ये पूरी लाइन 180 की है, तो उसमें से ये थीटा हटा दो तो बचा वो 180 माइनस थीटा बचा, और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है, तो कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू अपन ने रखी तो इट इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस टू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू ये आंसर में आई ठीक। अगर आप इसको ऐसे जोड़ते हो तो रिजल्टेंट यहां आने वाला है, अगर आप इसको ट्राइंगल लॉ से जोड़ते हो तो रिजल्टेंट इसका बी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ये माइनस बी बचेगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी। समझ में आ गया आपको, ठीक है, कई लोगों का आंसर आ गया, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
So if magnitude of vector addition is equal to the magnitude of subtraction, that means अगर हमने लिखा vector addition a plus b, तो subtraction vector magnitude लिखना है. The magnitude of subtraction vector, that means subtraction is a minus b. Clear? So when we add two vectors, a plus b is equal to minus magnitude of a minus b, तो हमें क्या लिखना चाहिए? a square plus b square plus 2ab cos theta, ये लिखोगे ना, a square plus b square is equal to 2ab cos theta, तो ये होना चाहिए under root of a square plus b square minus 2ab cos theta, ठीक है? तो यहाँ से definitely root की value जो होगी वो तो हटा देंगे हम, a square b square ये भी cancel हो जाना चाहिए और यहाँ पर प्लस 2ab उधर पर जाके माइनस 4ab तो हो जाएगा, तो ये 4ab cos theta is equal to 0, that means theta is equal to 90 degree होना चाहिए. देख लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट लिखते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर for addition of two vector of 4 unit and 3 unit is a unit vector. Is unit vector, then find angle between them.
चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। आंसर तो भैया गलत आ रहा है सबका, है ना? तो गलत आ रहा है तो फिर चेक कर तो करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। चलो देखते हैं। चल देखें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्वेश्चन की भाषा समझ में आ जाएगी तो आपका आंसर भी आ जाएगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ 4 यूनिट एंड 3 यूनिट इज यूनिट, यूनिट मीन्स वन इज यूनिट, ठीक है? तो यूनिट मीन्स कितना हो गया, वन हो गया। तो उस कंडीशन में अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि फिर उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी बन रही होगी उनके बीच के एंगल की, ठीक है? तो जो एंगल है वो हम निकालते हैं। चलिए देखें, तो सॉल्व अगर अपन ने करा बेटा इसको, तो हमें पता है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है एडिशन वेक्टर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया इट इज अ यूनिट वेक्टर, मींस यहां लिखेंगे वन, यहां कितना लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा 3 स्क्वायर, यहां लिखा जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस थीटा, ये हमें लिखना चाहिए, है ना? तो कितना एंगल इनके बीच का बन रहा होगा, तो देखते हैं। यहां पर ये तो हो गया 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3 × 6 = 24 कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अगर आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा -24 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा 10, और ये हो जाएगा 26, है? नहीं, ये इसकी अगर अपन वैल्यू रखें तो ये इसको इस तरफ लेके जाते हो तो ये माइनस हो जाना है, तो ये भी कितना हो गया 24। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24/24, और वो भी वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वो तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि अगर दो वेक्टरों का एडिशन करने पर अगर वो वैल्यू 1 आ रही है, तो डेफिनेटली एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तभी 1 बचेगा। छूट गया था, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया ना, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन का पॉलीगॉन लॉ है। क्या है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो पॉलीगॉन लॉ में हमें अगर मान लो बेटा कोई एक वेक्टर दिया है, सपोज वी हैव अ वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज गिवन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद ए, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वह ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो रिवर्स ऑर्डर में निकलेगा, ट्राइंगल लॉ होता था वैसा का वैसा है। तो ये ओ है, ये ए है, ये बी आ गया, ठीक? तो हम लिखेंगे इसमें इफ मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, देन द रिजल्टेंट, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द फाइनल साइड
फाइनल साइड ऑफ पॉलीगॉन इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर, फाइनल साइड ऑफ पॉलीगॉन इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में पॉलीगॉन लॉ में हम देखते हैं रिवर्स ऑर्डर किस तरह से। तो अगर हम लिखे सिंस इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर हम लिखते बेटा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर, अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट, इट इज ओ बी। तो ओ बी को हम कैसे लिखेंगे, इट इज द सम ऑफ ओ ए प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा आर वन वेक्टर। तो जो आर वन वेक्टर हुआ वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी फर्स्ट। देन अगर हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है, वो दूसरा वेक्टर है वो यहां से यहां जा रहा है, तो ए बी और ये वेक्टर जो आएगा बेटा वो वेक्टर आएगा सी वेक्टर, मान लो इस डायरेक्शन में कोई भी हो सकती थी, तो वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये सी वेक्टर पर पहुंचा, अगर ये सी वेक्टर पर पहुंचा तो देयरफॉर, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालेंगे, इंटर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कॉस थीटा से। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल क्या लिखते हैं, ये वाला हो सकता है सी वेक्टर हो, तो सी वेक्टर जो होगा अब उसका जो रिजल्टेंट निकाला जाएगा, अगर यहीं तक दिया होता, अगर मान लो सिर्फ यहीं तक ही दिया होता तो ये सी वेक्टर यहां पर आ जाता, ठीक है। तो इतना ये रिजल्टेंट इसका ये बनता है। तो नाउ इन ट्राइंगल ओबीसी, तो अब अपन को क्या निकालना है, ओसी वेक्टर, इट शुड बी द सम ऑफ व्हाट, ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इनका सम होता। फिर हम क्या लिखेंगे, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर सपोज इट इज आर टू, सो आर टू वेक्टर इज इक्वल टू ओबी आर वन वेक्टर प्लस क्या हो जाता है, यहां मत लिखो, यहां लिख देते हैं आर टू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ आर वन वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और आर वन वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट आर टू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये प्रूफ हो गया कि यहां तक भी आ सकता था इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड में, और फर्दर भी हो सकता है कि मान लो यहां कहीं होता है, सपोज ए वेक्टर होता है डी वेक्टर, तो हमें यहां पर लिख दिया ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो अब आएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहां तक भी होता ई वेक्टर दिया होता, तो ई वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता वो कहां पर आ जाता है, ये वाला। तो मतलब कुल मिला के ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर देते तो उन सभी वेक्टर को अपन ट्राइंगल लॉ जैसा हेड टिल हेड टिल हेड टिल पोर्शन जोड़ते जाते और जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता वो फाइनली फाइनल साइड से दिया जाएगा अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो हम यहां पर इसी तरह से लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, यहां लिख देते हैं नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, अब यह है ओबीडी, ओबीडी ओसीडी सॉरी ओसीडी। तो अब अपन निकालना है ओडी वेक्टर विच इज द सम ऑफ ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर, ठीक है, विच इज द सम ऑफ ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर। तो आर टू ये हो जाएगा आर थ्री वेक्टर और ओसी आर टू वेक्टर प्लस सीडी ये होता है डी वेक्टर। तो जो आर थ्री वेक्टर होगा वो होगा सम आर टू वेक्टर के लिए, तो क्या लिखा जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, ये हमारे पास आर थ्री निकल सकता था, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल फाइनली ओडीई, तो ओडीई वेक्टर अगर अपन ने लिखा यहां पर तो फाइनल वेक्टर है हमारे पास ओई विच इज द सम ऑफ ओडी प्लस डीई,
ठीक है, तो OD प्लस DE वेक्टर ये यहां पर लिख दिया जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा कितना, R 4 वेक्टर, OD वेक्टर इज R 3 वेक्टर प्लस DE वेक्टर, ये हो जाएगा E वेक्टर। ठीक है, तो जो R 4 वेक्टर आएगा वो आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D और फाइनल E। ठीक है,